मृत्य है। अगर ऊर्जा हो तो जीवंत मंदिर होता है, और ऊर्जा न हो तो मृत मंदिर होता है। अब ये बाद में मैंने बहुत गहरी बातें बताई, आपको पता नहीं इस कितना इस पर भरोसा हो कितना ना हो। अब हम लोग दूसरी कुछ बात करें जिस पर आपको जल्दी भरोसा आ जाए। उनके दर्शन से ऐसा एहसास हुआ कि मनुष्य जाति की ये संभावना, मनुष्य का ये रूप हो सकता है, मनुष्य इतनी गहराई में कहां से कहां जा सकता है, और मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, भाषा में मनुष्य है लेकिन मनुष्य जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मनुष्य के कुछ ऊपर की बात है, ऐसा साफ साफ पहले दर्शन में ऐसे दीदार हुए, उनकी आंखों में आंखें डाल के ऐसा कुछ अद्भुत देखने को मिला और कुछ प्रतीति घटने लगी, भीतर कुछ सोया हुआ जागने लगा। बस ऐसा एक संकल्प जगा कि तुम्हारी कृपा बनी रहे बस। और फिर स्वामी जी वहां से जब लौटना हुआ तो पहले भी पढ़ते थे लेकिन फिर वो दोबारा से किताब पढ़ी, जिन खोजा तिन पाई, और उस किताब में मनुष्य की क्या संभावना है, भगवान ने जिस ढंग से खोला तो सब कुछ इतना सरल जैसा हो गया, ऐसा कुछ अच्छा लगा कि ये कोई खेल जिंदगी का है। अब ऐसा कहेंगे शब्दों में कि शायद समय के पहले जिंदगी में निराशा हो गई होगी, जिंदगी व्यर्थ हो गई होगी, और बिल्कुल सही समय पर भगवान का दर्शन, उनसे मिलना हो गया, शायद भटक गए होते, शायद जीवन भटक गया होता, ऐसे कोई किनारे पे आ गया था, कुछ प्रकृति का खेल रहा होगा ऐसा, और बस प्रभु की कृपा हो गई तो सारी ऊर्जा उसी आयाम में चली गई, पूरी भगवान के आयाम में चली गई। फिर जो साधना विधि उनने बताई उसी तरह से सब ध्यान साधना रहना जीना, और घर बिल्कुल नहीं छोड़ना, घर संभालना, ये विचित्र काम था। परिवार थोड़ा बड़ा, भूल चूक से जो भी हुआ परिवार बड़ा और अव्यवस्थित, ऐसी व्यवस्था भी नहीं, और भगवान का कोई फोर्स पीछे से काम कर रहा, और उस फोर्स में कुछ दिखाई नहीं थी, बाहर के जगत का कुछ ज्यादा समझ में आए नहीं, बस वो उनकी कृपा ही समझ में आती रही और उसी तरह से ये खेल चलता था। बस अगर सुनी तो उनकी सुनी, फिर किसी की नहीं सुनी, जो उनके इशारे मिलते गए, जैसे जैसे इशारे मिलते गए वैसा वैसा जीवन में सब कुछ ढलता चला गया, ढलता चला, वो संवारते गए, और कोई भीतर से ऐसी कोई आवाज जैसी आती थी और वो कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि साधना में जब कोई व्यक्ति गुजरता है तो संसार की असुरक्षा तो ना के बराबर है, संसार में जिसे हम असुरक्षा कहते हैं वो असुरक्षा नहीं है, जब भीतर का टूटता है, भीतर के संबल टूटते हैं और जो असहाय अवस्था बनती है वहां गुरु की कितनी जरूरत है, और शायद बिना गुरु के जो होता नहीं है, शायद बिना गुरु के कोई टिक नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है। मामला ऐसा होता है कि जिस संसार में जो लोग पीड़ाओं की बात करते हैं, दुखों की बात करते हैं, भय की बात करते हैं, ये मेरे हिसाब से पाषंड जैसी भी नहीं होती है। जो असुरक्षा भीतर से आती है, भीतर जब साधक साधना में गहरा उतरता है वह असुरक्षित हो जाता है, सब कुछ टूट जाता है, तुम्हारी सब धारणाएं टूट जाती हैं, कोई भी धारणा तुम्हें समझाने के काम में नहीं आ रही, तुम्हारा भगवान टूट जाता है। जो धारणाओं से बना हुआ भगवान है वो एक स्मृति का हिस्सा है, और तुम स्मृति से कहीं ऊपर जाने लगते हो तो वो सहारा खोने लगते हैं, वहां एक ही सहारा बचता है सदगुरु का, और सदगुरु वहां कैसे संभालते हैं, सारी जिंदगी इसका वर्णन करे कोई तो उसका वर्णन नहीं हो सकता। और ये कुछ घटना अद्भुत जैसी होती है जब गुरु गढ़ रहा हो और आप तैयार हो गए हो,
कुछ अनिर्वचनीय जैसी घटनाएं घटने लगती हैं जीवन में, जीवन कुछ और लोक में प्रवेश करने लगता है, और धीरे धीरे करते करते उनके प्रेम में बहुत सारी घटनाएं घटती रहीं, समझते रहे, जीते रहे, और आज भगवान मौन के स्थान पर लाकर उन्हें खड़ा किया है। तो अब गुप्तगु उनसे मौन में होती है, घंटों बैठना होता है, घंटों जीना होता है, और ऐसा इशारा है कि लोग भी मौन में बैठे, तो वही आयोजन चलता है। और सच पूछो तो कुछ कला है भी नहीं, आती नहीं है सच पूछो तो, एक ही कला आती है चुप हो जाना, वही कला सिखाने का प्रयास भी चलता है तो बस चुप हो जाओ, किसी किसी की समझ में आती है तो चुप्पी बन जाती है और उनकी कृपा बरसती है। तो ऐसा कुछ छोटा मोटा सा परिचय है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी किताब में लिखने जैसी और कोई इतिहास जैसा नहीं है, जीवन इतिहास जैसा बिल्कुल नहीं, एक पन्ने में भी ना लिखा जा सके ऐसा कुछ है, लेकिन मजा बहुत है, बस उनकी कृपा बहुत है और वो सतत बरस रही है और उसका आनंद चल रहा है, शायद हम सभी उसके आनंद में आपूरित हैं, स्वामी जी भी यहाँ आए हैं तो वही खेल चल रहा है, सारी लीला वही चल रही है, बस इतना ही मुझे कहना है। शायद एक प्रश्न है, जैसे आपके लिए तो सहज है मौन होना, लंबी आपकी साधना रही, उससे गुरु के साथ लंबा एसोसिएशन रहा है, लेकिन जो मित्र जुड़ते हैं सुरों के, तो शरीर का मौन हो जाना, शरीर को मौन बैठा लेना एक बात है, मन कैसे मौन होता है, नए लोग जो आते हैं, मन मन तो बड़ा वाचाल है, चलता रहता है अनेक दिशाओं में, तो वो कैसे एक जगह बैठता है तीन तीन घंटे, क्या कला है, कैसे आपकी कला? देखिए शुरू शुरू की जो बात है, तो शुरू शुरू में जिस ढंग से साधना होती है उसी ढंग से हुई है, हम भी उसी ढंग से जिए हैं, और मेरे साथ अधिकतर पुराने मित्र ही होते हैं, अधिकतर अगर कोई नए मित्र होते हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह से मौन घटना संभव नहीं है, तो हमको कुछ प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ सहारा, क्योंकि मौन हमारे जीवन में क्यों नहीं घटता, हमारे जीवन में प्राणों का बहुत अभाव है, बहुत, हम पूंजी इतनी कम लेके जीते हैं कि हमारे ही काम नहीं आती और जिंदगी शाम को थक जाती है, प्राणों का इतना अभाव है, और प्राणों का जितना ज्यादा अभाव होगा उतने विचारों का ज्यादा चलन होगा, जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में प्राण भरने लगेंगे, प्राण तुम्हें तुमसे ज्यादा अनुभव होने लगे, और शर्त यह है कि प्राणों के प्रति जागृति, भगवान के सूत्र में जागृति का बड़ा मूल्य है, जागृति को उन्हें बहुत मूल्य दिया है, प्राणवान व्यक्ति अगर जागृत होता है तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में मौन घटता है, क्यों, प्राणों से जब हम जीने लगते हैं तो हम मन से नहीं जीते, मन है अभाव, अभाव का नाम, मन हमेशा कोई ना कोई चीज ढूंढता रहता है, कोई ना कोई चीज, जिस जगह होता नहीं है, जिस जगह होता है उससे अन्यत्र कोई चीज ढूंढने का नाम है मन, हमेशा ही आपको दूसरी जगह फेंकता है, क्यों फेंकता है, कि तुम अभाव में जी रहे हो, और मन अभाव को भरने की कोशिश कर रहा है, जिस पे भी हाथ डालता है उसे खींच के लाता है, और वो कुछ ऐसी चीज कि मन कभी भाव बनता ही नहीं है, हमेशा ही अभाव रहता है, प्राण भाव बनेंगे, प्राण तुम्हें भरेगा, मन नहीं भरेगा, जो भगवान ने डायनेमिक की विधि बताई है, देखो मैं ईमानदारी से बात करूं,